हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल अपन पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक, ठीक है। और उसमें अपन पढ़ रहे थे विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और ये इसका फॉर्मूला वगैरह अपन ने पढ़ लिया था, गुण पढ़ लिए थे, उपयोग पढ़ रहे थे अपन। तो उपयोग में एक तो पढ़ा था अपन ने कि ये विरंजक के रूप में कपड़ा और कागज उद्योग में काम में आता है। विरंजक मतलब रंग उड़ाने के लिए, ठीक है। विरंजक, रंजक क्या होता है? रंग। रंजक का मतलब क्या होता है? कलर। तो उसको गायब करने में या उड़ाने में उसको अपन क्या क्या बोलते हैं? विरंजक बोलते हैं। और इसका उपयोग किया जाता है जल को साफ करने में, जल को साफ करने में, ठीक है, जल को साफ करने में। फिर आपको याद रखना है कि ये रोगाणुनाशक या कीटाणुनाशक के रूप में भी काम में आते हैं। कीटाणुनाशक व रोगाणुनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में, ठीक है, ये काम में आता है। इतने आपको उपयोग याद रखने हैं, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे, इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो Cl2 गैस जो है, अपन ने पढ़ा कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें जब अपन Cl2 गैस प्रोवाइड कर रहे थे तो क्या बन रहा था यहाँ से? एक तो CaOCl2 बन रहा था प्लस H2O बन रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन Cl2 गैस है, ठीक है, वो क्या करती है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन मतलब एक एकल परमाणु, एक परमाणवी, इसको बोलते हैं अपन एक परमाणवी ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन, ठीक है, या आप इसको बोलते हो क्या, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये किस काम में आती है? ये विरंजन अभिक्रिया करती है बच्चों। ये अभिक्रिया, ये ओ जो होता है ना, इसको आप लोग याद रखते हैं ना कि ये ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और ये क्या करता है? विरंजन अभिक्रिया करता है। ये विरंजन यानी रंग उड़ाने के लिए काम में आता है, विरंजन अभिक्रिया करता है, ठीक है। बुक में दे रखी है ये अभिक्रिया, ठीक है। विरंजन अभिक्रिया यानी ये क्या करता है कि जो रंगीन पदार्थ होते हैं या रंगीन जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करती है? उसके साथ अभिक्रिया करके उसको क्या कर देती है? रंगहीन यानी रंग उसका उड़ा देती है। ये आपको याद रख लेना है। ये नवजात ऑक्सीजन जो है वो रंगीन पदार्थों के साथ क्रिया करके क्या बना देती है? उनको रंगहीन यानी उनमें कोई कलर नहीं रहता है, ठीक है। इतना याद रख लोगे आप लोग, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि इसमें अगला जो यौगिक है वो आ जाएगा इसमें, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। पढ़ा है नाम सुना है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अपन ने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 9th क्लास में, NaHCO3। ये क्या होता है? बेकिंग सोडा। इसका अगर रासायनिक नाम देखें अपन तो रासायनिक नाम होता है बच्चों इसका सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना क्लियर है, ठीक है। इसको बनाते किस तरीके से हैं, बनाने की विधि आपको याद रखनी है, बनाने की विधि। तो बनाते किस तरीके से हैं, एक तो आपको याद रख लेना है, पहली तो विधि ये होती है कि NaCl जो है उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है किससे? CO2 प्लस H2O प्लस NH3, तीन चीज़ों से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। साधारण जो नमक होता है उसको CO2, H2 और NH3 क्या होता है? अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तो बनेगा NH4 Cl प्लस बन जाएगा यहाँ पे एक NaHCO3। ये बन रहा है बेकिंग सोडा, इस तरीके से बनाया जाता है एक तो, ठीक है। और एक इसको जो है किस तरीके से बनाया जाता है, Na2CO3 जो होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है CO2 प्लस H2O से, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? NaHCO3, इसको संतुलित कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये अभिक्रिया होती है, दोनों अभिक्रिया होती है इसको बनाने के लिए। ये हो गया बेकिंग सोडा, दोनों अभिक्रियाओं में देखो क्या बन रहा है उत्पाद के रूप में, क्या बन रहा है बच्चों? बेकिंग सोडा। तो ये दोनों विधियां आपको याद रखनी है। अब इसमें एक नोट पॉइंट करके लिखना है आपको, इसमें एक नोट करके लिखना है आपको
नोट करके इस तरीके से लिखना है कि इसको नोट में लिखना है कि जब अपन खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, यानी जैसे कि अपन जैसे केक वगैरह है तो उनमें बेकिंग सोडा डालते हैं, या घर पे आप लोग जब इडली बनाते हो या फिर बाटी वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो उनमें आप लोग बेकिंग सोडा डालते हो। बेकिंग सोडा क्या करता है, मीठा सोडा बोलते हैं इसको, इसका एक और नाम अपन बोल सकते हैं इसको खाने का सोडा, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको मीठा सोडा। तो ये बेकिंग सोडा ही होता है, वो बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, तीनों एक ही चीज़ है। तो मीठा सोडा जो होता है उसको अपन जैसे ही अपन इडली वगैरह में डाला तो उनमें स्पंज क्यों आ जाता है, उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं। स्पंज किस तरीके से आता है, देखो जब खाद्य पदार्थों में इसको गर्म किया जाता है, खाद्य पदार्थों के साथ जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो वहाँ पे CO2 गैस बनती है। क्या बनती है बच्चों? CO2 गैस। और जब वो गर्म होगी, CO2 गैस निकलेगी बुलबुलों के रूप में, तो वो क्या करेगी, उस खाद्य पदार्थ में छिद्र कर देगी, ठीक है। उसको छिद्र का मतलब उसमें स्पंज आ जाएगा, तो उसी की वजह से जो है वो स्पंज ही बनती है। देखो किस तरीके की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया आपको याद रखनी है कि NaHCO3 को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं, गर्म करने का मैंने बताया था साइन क्या करना है आपको, इस तरीके से ट्राइंगल टाइप में लगा देना है इसके ऊपर। तो NaHCO3, और इसको जब गर्म करोगे तो Na2CO3 बन जाएगा प्लस CO2 या H2 लिख लो पहले, और फिर बाद में क्या बन जाएगी, CO2 गैस। और ये जब बाहर निकलेगी, इस साइन का मतलब क्या है कि CO2 गैस बन रही है और वो बाहर निकल रही है। तो CO2 गैस जब निकलेगी तो वो क्या करेगी कि बुलबुलों के रूप में आती है, और उनमें उस खाद्य पदार्थ जिसमें भी अपन डाल रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें छिद्र हो जाएंगे, उसको स्पंजी बना देगी। ये आपको अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि खाद्य पदार्थों में स्पंज, क्वेश्चन आएगा खाद्य पदार्थों में स्पंज किस कारण आ जाता है, तो वो अभिक्रिया में उसमें आपको ये अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। और बता देना है कि जब खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडा डाला जाता है तो बेकिंग सोडा क्या करता है कि उसको जब गर्म किया जाता है तो वो CO2 गैस बनाता है, और CO2 गैस जब बुलबुलों के रूप में निकलती है तो उस खाद्य पदार्थ में क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। और वो खाद्य पदार्थ कैसा बन जाता है, स्पंजी बन जाता है, ठीक है। इडली का नाम सुन के सबके मुँह में पानी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक जो है वो करेंगे अपन क्या, ठीक है, बेकिंग सोडा पढ़ रहे थे। अब बेकिंग सोडा के आपको क्या करना है, गुण लिखने हैं, वो आप बुक में देख लेना। और उपयोग इसके क्या हो जाते हैं, एक तो ये उपयोग में आ जाएगा कि ये खाद्य पदार्थों में उपयोगी होते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थों में इसको खाद्य पदार्थों में डाला जाता है। फिर आपको लिखना है कि ये अग्निशामक यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र में काम में आता है, ठीक है, ठीक है। एक खाद्य पदार्थों में लिख लेना, खाद्य पदार्थों में, ठीक है, स्पंज के लिए खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में ये बहुत काम में आता है, ठीक है। ये तीन चार आपको उपयोग याद रखने, बेकरी इंडस्ट्री में उपयोग में लिया जाता है, बेकरी जो होता है ना, बेकरी शॉप, बेकरी की, बेकरी इंडस्ट्री में या बेकरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ये तीन चार उपयोग आपको लिख देना है। तो अग्निशामक यंत्र आपको पता है, हॉस्पिटल में जो रेड कलर के सिलेंडर टाइप में लगे होते हैं तो उनमें क्या होता है कि बेकिंग सोडा डाला होता है या फिर CO2 गैस, ठीक है, ये दोनों उसमें डाली जाती हैं जो आग बुझाने के लिए काम में आते हैं। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर एक अगला जो यौगिक है वो आपको याद रखना है कि धोने का सोडा क्या होता है, धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा, धोने का सोडा, देखो इसकी बात हो रही है तो इसको एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि Na2CO3 डॉट टेन एच टू, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये डॉट टेन एच टू, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये पढ़ा था अपन ने पहले भी, क्रिस्टलन जल, क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टलन जल, ठीक है। फिर अगर बात करें, फिर अपन इसकी बात करें तो एक आपको चीज़ याद रखनी है कि इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा भी बोलते हैं इसको, ठीक। और इसको बनाते किस तरीके से हैं, इसको बनाते किस तरीके से हैं, बनाने का जो तरीका होता है वो इसका क्या होता है, देखो एक तो Na2CO3 ये क्या होता है, सोडा एस, इसको क्या बोलते हैं, सोडा एस, इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवा दो, जल की अभिक्रिया करवा दो, क्रिस्टलन, ठीक है,
जल की अभिक्रिया करवाने पर क्या बन जाएगा, ये Na2CO3.10H2, ठीक है। या इसकी एक अभिक्रिया देखी थी अभी अपन ने कि बेकिंग सोडा जो था, बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको अपन क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, तो क्या बन रहा था, Na2CO3 बन रहा था, Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2, ठीक है। तो ये बन रहा है Na2CO3, सोडा एस बना, सोडा एस को किससे अभिक्रिया करवा दो, जल के साथ अभिक्रिया करवा दो, क्या बन जाएगा, धोने का सोडा धावन सोडा बन जाएगा। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। फिर इसके आपको गुण याद रखने हैं कि ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, और ये जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, और सफ़ेद कलर का होता है, ये आपको उसके गुण याद रखने हैं। फिर एक चीज़ आपको याद रखनी है इसमें कि उपयोग जो है, इसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, ठीक है, उपयोग कहाँ किए जाते हैं, देखो, एक तो सफाई में, सफाई व धुलाई में, कपड़े धोने में, ठीक है, सफाई व धुलाई करने में, कपड़ों की धुलाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। अरे भाई, धुलाई, कपड़े धोने में, ठीक है, सफाई करने में और कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक अपमार्जक बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, इतना क्लियर है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, ये लिख देना एक पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। अब एक लास्ट यौगिक बच गया है, वो है कौन सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, नाम सुना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखो, इसका एक तो पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaSO4.12H2, ये क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब देखो, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, सबसे पहले ये फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, और पेरिस में जो है सबसे पहले इसको बनाया गया था, कैसे कैसे बनाया गया था, जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम से जो है क्या बनाया गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो किस तरीके से इसकी अभिक्रिया होती है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये CaSO4.2H2, ये क्या होता है बच्चों, जिप्सम, पढ़ा है अपन ने, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CaSO4.2H2 फॉर्मूला पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको क्या कर दो, गर्म कर दो, 393 केल्विन ताप पर गर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये CaSO4.12H2, ठीक है, प्लस 1.5H2, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, जिप्सम से क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ये POP बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब इसके क्या करने हैं, आपको गुण याद रखने हैं कि ये ठोस पदार्थ होता है, श्वेत ठोस पदार्थ होता है, और ये जब जल से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जिप्सम जो है जल से जब क्रिया करता है तो वो कठोर हो जाता है। फिर इसमें आपको याद रख लेना है, इसके उपयोग याद रखने हैं आपको, उपयोग इसके बहुत सारे उपयोग हैं, एक तो टूटी हुई हड्डियाँ जोड़ने में, ठीक है। फिर आपको याद रख लेना है इसमें, मूर्तियाँ बनाने में, मूर्तियाँ और सजावटी सामान जो होता है, वह सजावटी सामान बनाने में, ठीक है, ये आपको कुछ उपयोग याद रखने हैं। एक इसका डेंटिस्ट यानी दांत, जो दंत चिकित्सा होता है उसमें उपयोग किया जाता है इसका, ये कुछ उपयोग है। और घरों में इसका, या बिल्डिंग भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर करते हैं ना घरों पे, ठीक है, POP करते हैं ना, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। अब देखो अगला जो टॉपिक है, एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर का लास्ट, ठीक है, साबुन और अपमार्जक, वो अपन कल करेंगे, तब तक इसको आप रिवाइज़ करते रहना इन चीज़ों को।